हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमी क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता। सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज न्यू ईयर है, दिन की साल की पहली शुरुआत हम मीठे से करेंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ गाजर का हलवा, और बहुत ही क्विक और इजी स्टेप्स में आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा अपडेट सबसे पहले मिल जाए। चलिए आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं गाजर का हलवा। चलिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर ली है उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो गाजर, उसे हमने घीस लिया है धोकर। इलायची पाउडर एक चम्मच लिया है, यहाँ पे हमने घी लिया है। यहाँ पे काजू और बादाम, उसे हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे हमने लिया एक कटोरी खोया, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हमने लिया है शक्कर, चीनी। यहाँ पे हमने लिया है एक गिलास दूध। लो फ्लेम में हमने पैन को हीट करने के लिए रख दिया था, उसमें हम डालेंगे घी। घी को पिघलने देंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। अब हमारा घी पूरी तरह से पिघल चुका है, उसमें हम डालेंगे घिसा हुआ गाजर। गाजर को पहले हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम में पहले अच्छे से भून लेंगे। भून लेने से इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है, और इसका जो कलर है, हलवे का कलर है, वो भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे पहले। बीच बीच में इसे आप अच्छे से चलाते रहे। बीच बीच में इस तरह से आप इसे चलाते रहे। देखिए, हमने जो गाजर की क्वांटिटी ली थी वो इतनी थी, अब वो इतनी हो गई है, कम हो गई है। ये भी एक टिप है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ध्यान में रखिए। आप जब बनाएंगे, आप जितना इसे भूनेंगे ना, उतना ही आपका जो गाजर का हलवा है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा आएगा। देखिए, अब हमारा गाजर जो है अच्छे से गल चुका है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और उसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। हमारे 20 मिनट भी हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे दूध। एक गिलास दूध हमने इसमें मिक्स किया है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और दूध को सुखाएंगे। 5 मिनट दूध के साथ पकाने के बाद हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी खोया। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है, तो और एक टिप है कि आप इसमें दूध की जो ऊपर की मलाई होती है, आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो आप बिना खोए की या बिना मलाई की भी आप हलवा बना सकते हो। इसमें हम बादाम और काजू भी मिक्स कर लेंगे।
इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे हिलाते रहें। इसे आपको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में इस तरह से आप हलवे को चलाते रहे। अब इसे हम ढक के 8 से 10 मिनट तक और पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे बीच बीच में आप चलाते रहे। देखिए ये भले ही बनने में थोड़ा टाइम लगता होगा इसे दोस्तों, बट अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। बीच बीच में आप इस तरह से चलाएं और हलवे को स्मूथ करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हलवा का जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। देखिए काफ़ी स्मूथ हो चुका है और साइड साइड में जो आप देख सकते हैं घी छोड़ा है, इसका मतलब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। बस इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और सर्व कर सकते हैं इसे आप। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस फ्लेम को बंद करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सर्व कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से। आप भी इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।